नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और चलिए मैं आज जा रही हूँ पटियाला आलू बनाने। तो ये आलू मतलब पटियाला आलू थोड़ा और आलू से अलग है, ये पंजाब में ज़्यादा बनता है, रेस्टोरेंट में भी ज़्यादा। ये मतलब बॉईल करके एक सीटी लगा के फिर मैंने इस तरह से काटा है। ये अब मैं फ्राई कर रही हूँ, थोड़ी हवा ज़्यादा चल रही है चूल्हे पर। मैं इनकी फ्राई इसलिए कर रही हूँ ताकि इसका टेस्ट, देखो अब थोड़ा गोल्डन हो रहा है मेरा आलू, थोड़ा गोल्डन होने पे उतारना है इसको, फिर उसके बाद मसाला हम फ्राई करेंगे। क्योंकि ये मतलब सीटी लगा, एक सीटी के बाद थोड़ा कच्चा था आलू। थोड़ा आलू मेरे फ्राई हो चुके हैं, अब मैं ये आलू निकाल लेती हूँ। देखो गोल्डन कलर हो गया है, और उसके बाद मसाला भूनते हैं। अभी तड़के के लिए ये तेज पत्ता है, ये दालचीनी है, ये तो दो तीन लौंग है, चार पांच वो काली मिर्च है। बोलो अब मैं जीरा डाल रही हूँ इसमें, हमारा तेल गर्म हो चुका है और तेज पत्ता डाल रही हूँ, दालचीनी, ये लौंग और ये काली मिर्च है दो चार, ये एक प्याज है, अदरक है, चार हरी मिर्च है और चार कली लहसुन की है। ये लहसुन प्याज का पेस्ट डाल रही हूँ। और हमारा मसाला भुन चुका है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसमें टमाटर डालने जा रही हूँ। मैं नमक डाल रही हूँ, ये हल्दी पाउडर थोड़ा और लेती हूँ, ये गरम मसाला, ये हमारी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, मैं इसको ढक देती हूँ दो मिनट के लिए। मसाला मेरा पक चुका है, अब मैं ये आलू डाल दूँ इसके अंदर। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि हमारे आलू मसाले को अच्छे से, इसमें इतनी तरी रहेगी मतलब ऐसे ही रहता है, ये थोड़ा और सूख जाएगी, अभी सूखे ही होते हैं ये। ये देखिए हमारे आलू कितने बढ़िया बन गए, इसको आप पराठे से खाओ, पूरियों से खाओ, बहुत ही स्पाइसी आलू बनते हैं ये अलग से दूसरे आलू से। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम आलू की सब्ज़ी खा रहे हैं, ऐसा लगेगा कि हम अलग से ही खा रहे हैं। रेस्टोरेंट में मिलती है और ज़्यादातर पटियाला में पंजाब में मिलती है ये वाली सब्ज़ी।
बहुत अच्छा है यार, आप एक बार बना के देखिए, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अगर आपको मेरे ये पटियाला आलू पसंद आते हैं तो कॉमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए।